वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। मैं आज लेकर आई हूँ ब्लाउज़ के बैक पल्ले की कटिंग। उसके लिए मैंने डबल फोल्ड पेपर लिया है। फोल्ड वाला हिस्सा मैंने इस तरफ किया है। अब हम लंबाई लेंगे 13 इंच और टोटल मैंने 14 इंच ली है, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम इस लाइन को इस तरह से सीधे में ड्रॉ कर लेंगे। अब मैंने शोल्डर लिया है 6 इंच और 6 इंच ही हमें आर्म होल भी लेना है। इस तरह से हमें 6 इंच पर निशान लगा लेना है और अब इसे सीधे में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें लेना है चेस्ट का फोर्थ भाग। चेस्ट है हमारी 32 और चौथाई भाग होगा उसका 8 इंच। हमें 8 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। इस तरह से अब हमें कमर का भी फोर्थ पार्ट लेना है, यानी कि कमर है 28 और फोर्थ भाग होगा 7। 1 इंच हमें प्लेट डालने के लिए लेना होगा, यानी कि टोटल हमें 8 इंच पर निशान लगा देना है। इस तरह से अब हमें इस निशान को सीधे में ऊपर तक ड्रॉ कर देना है। इस तरह से हमें नीचे मिला लेना है। अब हमें प्लेट्स के लिए निशान लगाना है। मैंने 3.5 पर इस तरह से निशान लगाया है और ऊपर में भी हमें 3.5 पर ही निशान लगाना है। अब हमें इस निशान को सीधे में इस तरह से ड्रॉ कर लेना है और अब हमें इसकी साइड से आधा आधा इंच, यानी कि हमें 1 इंच की प्लेट लेनी होगी तो आधा आधा इंच इस तरह से इस निशान को ऊपर से नीचे की तरफ तिरछे में इस तरह से ड्रॉ कर देना है। अब हम आते हैं अपने आर्म होल पर। अब हम अपने आर्म होल की निशान लगाएंगे, यानी कि आर्म होल है 6 इंच और हाफ होगा 3 इंच। अब हमें इस तरह से डॉट डॉट इस तरह से करके आर्म होल का निशान लगा लेना है। अब हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए इस तरह से ऊपर से नीचे तक इस तरह से सीधे में एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारा जो मार्जिन होगा उसके लिए हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया है इस तरह से। अब हमें नेक का निशान लगाना है। नेक की चौड़ाई ली है मैंने 2.5 इंच और लंबाई ली है 7 इंच। इस तरह से मैंने नीचे से भी इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ली है। अब हमें इस तरह से गले का निशान लगा लेना है। ये मैंने निशान लगा लिया है और ऊपर से भी इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। आप अपनी पसंद से जो नेक का डिज़ाइन चाहते हैं वो ड्रॉ कर लेना। मैंने इसको इस तरह से निशान लगाया है। अब हमें अपने शोल्डर पर आना है। शोल्डर पे हमें तिरछे में इस तरह से आधे इंच की दूरी पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। ये हमारी कटिंग होकर तैयार हो गया है ब्लाउज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।